हेलो दोस्तों, प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हरी मिर्च का अचार, जो भी एकदम आसान और सरल तरीके से बनाया गया है, जो कि पूरा 1 साल चलेगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस अचार के साथ। ये हमने 250 ग्राम हरा मिर्चा ले लिया है, इसको धुल करके अच्छे से साफ कर लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। एकदम पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। उसमें डालने के लिए ये हमने मसाला लिया है। 1 कटोरी हमने ये लहसुन लिया है, इसको साफ करके हमने अच्छे से छील लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाती हो तो लहसुन नहीं डालिएगा। और 1 कटोरी हमने ये काली वाली राई ले लिया है। 1 कटोरी ये सौंफ है, 2 चम्मच ये मेथी है, 1 चम्मच ये मंगरेल है, इसको कलौजी भी कहते हैं, 4 चम्मच ये अमचूर पाउडर है और नमक है, 2 चम्मच ये हींग है, 8 से 10 ये खड़ी लाल मिर्च है। तो चलें आज हम बनाते हैं हरी मिर्च का एकदम अलग तरीके से अचार। सबसे पहले हम मिर्च को बीच से इस तरह से फाड़ देंगे। हमें इसका बीज नहीं निकालना है, बस इसी तरह से इसको हमें बीज से फाड़ देना है। इसी तरह से हम सारी मिर्च फाड़ लेंगे। ये हमने सारे मिर्च बीज से फाड़ करके रख लिया है। ये गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसी में ये पहले मंगरेल डाल देंगे और जरा सा भून लेंगे। अब इसी में ये मेथी डाल देंगे, इसको भी जरा सा भून लेंगे। अब इसी में ये सौंफ डाल देंगे, हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। अब इसी में हम ये राई भी डाल देंगे, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। और इसी में हम ये हींग डाल देंगे और इसी में ये हम लाल मिर्च डाल देंगे और सबको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये मसाला हमारा भून गया। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। ये हमारा मसाला ठंडा हो गया है। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें डाल करके पीस लेंगे। ये मसाला हमारा पीस गया। अब एक बाउल ले लेंगे और इसमें निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा महीन हमें नहीं पीसना है, इसको हल्का सा मोटा ही पीसना है। अब इसी जार में हम ये जो लहसुन लिए हैं इसको डाल देंगे और ये जो अमचूर पाउडर लिए हैं इसको डाल देंगे और नमक डाल देंगे। सबको डाल के एक बार इसको और पीस लेंगे। ये लहसुन भी हमारा पीस गया। अब इसी में हम इसको भी डाल देंगे। अब इसी में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और अच्छे से सबको मिला देंगे। अब हम अपना ये मिर्चा ले लेंगे और एक प्लेट ले लेंगे। अब ये जो हमने फाड़ के रखा हुआ है इस मिर्ची में, इसको भर देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको दबा करके और रख लेंगे। अब इसी तरह से सारी मिर्ची भर लेंगे। ये हमारा मिर्चा सब भर गया है। अब हम इस बाउल में तेल डाल देंगे अब इस तरह से एक बाउल में तेल लेके और सारे मिर्ची को डुबो करके इस तरह से रख देना है। ये हमने सारी मिर्च को इसमें डाल दिया। अब ये जो तेल बचा हुआ है इसको भी हम ऊपर से डाल देंगे। इसमें हम बहुत ज्यादा तेल नहीं डालेंगे। ये लीजिए, हमारी हरी मिर्च का अचार बनके तैयार हो गया है। इसको आप 3 से 4 दिन तक धूप में रख दीजिएगा, उसके बाद खाइएगा। ये खाने में बहुत अच्छी होती है। इस समय हरी मिर्च बहुत सारी आ रही है, तो आप जरूर बना के इसको रखिएगा। ये पूरा 1 साल तक चलेगा, खराब नहीं होगा। तो चलें आप लोग एंजॉय करें इस अचार के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।